हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट भारत। और आज के इस व्लॉग में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ में। और लखनऊ जाना जाता है अपने अदब, तहजीब और स्वादिष्ट पकवानों के लिए। तो आप लखनऊ कैसे टूर प्लान कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, खाने के लिए बेस्ट फूड क्या होगा, आज आपको हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब हम आ गए हैं वाहिद बिरयानी पे, जो जस्ट चुंडे कबाबी के बराबर में, और इनका भी काफ़ी अच्छा नाम है लखनऊ में। इनकी बिरयानी बहुत ही अच्छी होती है और अब हम जा रहे हैं अंदर को टेस्ट करने के लिए। अभी तक हमने जहाँ भी खाई है ना, सारी मसाले वाली बिरयानी खाई है, ये बिल्कुल प्लेन है। ये हाँ, बिना मसालों का जो मसाले हैं वो सारे, मतलब अभी तक हमने तो खाई है खड़े मसालों की बिरयानी खाई है, बट इसके अंदर क्या मसाले पीस के डाले गए, लेकिन एकदम अच्छा टेस्ट है। जब हम आ गए हैं लखनऊ की फेमस कुल्फी दयाल कुल्फी खाने, चलिए लेके चलते हैं आपको, खिलाते हैं यहाँ की कुल्फी। में मेरे होटल का नाम होटल ओशियन है, ये चार बाग पान दरीवा पान मंडी में। यहाँ से जितने भी जो भी स्पॉट्स घूमने वाले आपके, जैसे कि आपका जैसे छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, और जानेश्वर मिस पार्क, और आपका जैसे एक होता है अम्बेडकर पार्क, ये सभी मिनिमम दूरी जो है इनकी जो है 7 किलोमीटर प्लस। रूम के रेट्स क्या हैं अपने? 800 से स्टार्ट है और 1500 तक। हम आ गए हैं जनेश्वर मिश्र पार्क में, और ये 276 एकड़ में बना हुआ है पूरा पार्क। यहाँ पे अगर आएंगे या फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ आएंगे, तो यहाँ बैठ के ना आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, और बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो वहाँ पर एक छोटी सी इन्होंने झील बनाई हुई है जिसके अंदर पानी है।
गाइस जैसे हमने देखा पार्क में, हमने शुरू में बोला भी था आपको कि ये फैमिली पार्क है। हाँ फैमिली पार्क तो है, बट ये कपल्स के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छा पार्क है। और जैसे हमने पूरा ये पार्क घूमा तो हमें जगह जगह कपल्स दिखे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, वो अपना बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे। कपल्स के लिए बोल सकते हैं, आ सकते हैं, वो जा सकते हैं और बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ इस पार्क के लिए मैं, ये पीछे जो मेरे आप पीछे ई रिक्शा टाइप देख रहे हैं, तो ये ना पूरा इनका रेंट होता है, पूरा पार्क घुमाते हैं, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने बताया था 276 एकड़ में बना हुआ है। तो अगर आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते पार्क में, ठीक है, और आपको पूरा पार्क घूमना है, तो आपको इसको आप रेंट पे हायर कर सकते हैं और पूरे पार्क को घूम सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे कानपुर वाले ब्लॉग में देखा होगा, हमारे एक फ्रेंड मिले थे सनी, आप उन्होंने बोला था वो हमें लखनऊ में ज्वाइन करेंगे, वो हमें ज्वाइन करने के लिए आ गए हैं। हाय गाइस, तो आपने इनको आपने इनको कानपुर वाली वीडियो में देखा होगा, ये मतलब कलरफुल आपको उसमें दिखाई दिए होंगे, क्योंकि ये इसलिए। तो इनके साथ में इनकी गर्लफ्रेंड भी हैं, इशू। तो अभी हम लोग साथ में आप लोगों को लखनऊ दिखाएंगे। तो सनी भाई, अभी हम कहाँ नेक्स्ट कहाँ चलने वाले हैं? नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अम्बेडकर पार्क। तो अम्बेडकर पार्क चल रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं भीमराव अंबेडकर पार्क। इस पार्क को सुश्री मायावती ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने बनवाया था सन 2008 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सारे उन्होंने एलिफेंट्स की स्टैचूज बनवाए हुए हैं यहाँ पर। और कहने के लिए तो ये पार्क है, बट इस पार्क में ना आपको कहीं पर भी घास देखने को नहीं मिलेगी। आप जहाँ भी देखेंगे नीचे हर जगह फर्श पे मार्बल ही मार्बल लगा हुआ है। इसका नाम पार्क है, बट ये पार्क जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई ऐसा लगता है जैसे एक हिस्टोरिकल प्लेस हो कोई। बिल्कुल सही कहा। और अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे, मायावती जी ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है थ्रू अपने, जब भी उनकी सरकार थी उस टाइम पे, तो इन्होंने दिखाया डेवलपमेंट यहाँ पे। और लखनऊ में यही एक जगह है अभी तक जहाँ जहाँ हम घूमे, तो मास्क के लिए यहाँ पर ही हमें रोका गया था, अदरवाइज मास्क एंट्री नहीं है। तो मास्क ज़रूर लेकर आए, पहन कर आए, और वैसे पहनना भी चाहिए मास्क, वो तो बहुत ज़रूरी है। हमने एंट्री तो कर ली भीमराव अम्बेडकर पार्क में, बट इतना यहाँ क्राउड नहीं दिख रहा है। क्राउड इसलिए नहीं दिख रहा है ना वसीम भाई, क्योंकि अभी देख लो डायरेक्ट सन पड़ रहा है सर के ऊपर, धूप इतनी तेज है, गर्मी इतनी हो रही है ना। अब आप ही सोचो, यहाँ पे वैसे भी पेड़ नहीं, इस पार्क में सबसे मेन चीज है आपको पेड़ नहीं नजर आएंगे। ग्रीनरी बिल्कुल ही मतलब यहाँ छूटी हुई है, जो पार्क में जो सबसे मेन होता है वही नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए अब धूप में से बचने का आपके पास कोई और उपाय है नहीं। जनेश्वर पार्क में तो काफी दिख भी रहे थे वहाँ क्राउड, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी अच्छी थी। जनेश्वर पार्क भी अच्छा है, उसमें ग्रीनरी काफी है, तो उसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। वहाँ पे वो छोटी सी उन्होंने झील बनाई हुई है, छोटी सी नहीं है, काफी बड़ी है। उसके अंदर आपको मतलब फिश देखने को मिल जाएंगी, आप उनके साथ मतलब देख सकते हैं उनके साथ, और क्या करेंगे उनके साथ, ट्राई करके खा भी सकते हैं पकड़ ली तो। वहाँ फिशिंग भी कर सकते हैं आप, बट जुर्माने के लिए तैयार रहिएगा। फिशिंग अलाउड नहीं है, बट आप चुपचाप जाके फिशिंग करके और जुर्माने के लिए बस तैयार रहिएगा, क्योंकि जुर्माना तो लगना ही लगना है वहाँ पे। तो हमारे साथ जो सनी भाई आए थे, वो अभी एक्चुअली गए हैं किसी काम से, अभी आते हैं, ज्वाइन करते हैं हमें 2 मिनट बाद। तो सनी भाई आ चुके हैं हमारे, आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है इस पार्क में आके? बढ़िया, एकदम मस्त मस्त। अच्छा, धूप थोड़ी ज्यादा है यार, धूप कुछ ज्यादा है, धूप इसलिए है ना, यहाँ पे पेड़ तो है ही नहीं। हाँ पेड़ भी नहीं है, अभी तो एकदम थोड़े एकदम किनारे सही। तो लखनऊ में ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जो भी टूरिस्ट आते हैं लखनऊ वो भीमराव अंबेडकर पार्क ज़रूर आते हैं एक बार देखने, क्योंकि यहाँ पर जो ये एलिफेंट के स्टैचूज हैं काफ़ी फेमस हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड।
तो जो लोग भी लखनऊ आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं एक बार देखने के लिए। आपको मेरे पीछे भी आप देखिए, मैं आपको 360 का एक एंगल दिखाता हूँ, पूरा सब आपको एलिफेंट ही एलिफेंट नज़र आएंगे। अब हम एक बहुत ही फेमस जगह पर आ गए हैं जिसका नाम है 1090, और ये भीमराव अंबेडकर पार्क के दिवस बराबर में। और इसकी जो खासियत है ना, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं, और यहाँ मोस्टली लखनऊ के सारे जो कपल्स हैं एंड यंग एजेस हैं जो भी, वो लोग यहाँ पर आते हैं और मतलब इसको इंजॉय करते हैं आके फूड को। एंड आपको भी मैं दिखाता हूँ अंदर ले जाकर कि यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड्स हैं क्या क्या उसमें वैरायटीज मिलती हैं। क्या तेरी चॉइस है? वाओ, नहीं घिना नहीं हूँ, इतना प्यारा हो बेटा। तो तुम्हारे ऊपर लाखों मरते हैं पर तुम पे इस पे मरते क्यों नहीं चाहिए? अगर देना है तो, अरे बेटा अगर किसी को कुछ प्रपोज करना है तो क्या पूछ नहीं है, वो उसने मुझे नहीं गलत बात है, उसने मुझे करा था भाई, ये गलत बात क्या प्रपोज करना है, शादी होने की बताए भाई इधर काशी फूलों के साथ मेरी कमाई भी 30 रुपए का ले लो अब नहीं, लेकिन लेकिन लेंगे तभी, एक बार बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई नहीं, अरे बोलना पड़ेगा ये। हां बोलो। मुझे तड़पता है सूरज से जमी को तरसना पड़ता है, आसमां को तड़पता है सूरज से जमी को तरसना पड़ता है, और इन जैसे सितारों को देख के भैया आपको तरसना पड़ता है। लाइए लाइए ये लीजिए पैसे, ये लीजिए आप। तो अभी हम बैठे हैं स्ट्रीट फूड के लिए 1090 पर, बहुत अच्छी जगह है, प्यारी, मतलब यहाँ पे इतना रश है, इतना क्राउड है, और यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड इतना सारा देखने को मिलेगा ना, हर तरह की वैरायटी मिलेगी। तो हम अभी आके बैठ गए हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे तंदूरी चिकन और वेज चाप ऑर्डर किया। भाई मैं इसलिए आपको यहाँ भेज के आया था, मैं आ चुका था ना पहले भी। हाँ आप तो आते रहते होंगे यार। हाँ भाई आपका तो बनता भी है ना, इसीलिए इसीलिए इतनी टेस्टी चाप के लिए आपके लिए आपके लिए। लखनऊ में एक खास बात, आप खाना कहीं भी खाएंगे आपको खाना सारा ज़बरदस्त मिलने वाला, A1 एक नंबर खाना, हो स्ट्रीट फूड हो या स्नैक्स हो कुछ भी हो, बहुत ही ज़बरदस्त A1 एक नंबर मिलने वाला है। तंदूरी चाय बहुत ही मतलब बनते हुए देखी हमने, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, तो सोचा क्यों ना ट्राई कर ली जाए, टेस्ट भी इसका बहुत लाजवाब है, बिल्कुल हटके है। अभी हम पहुंच चुके हैं गोमती नगर रिवर फ्रंट पर, पीछे आप देख सकते हो ये एक बहुत ही अच्छा पार्क है, और बहुत ही अच्छा लाइटिंग्स वगैरह कर रखे पार्क में। और ये हम ज़्यादा लेट हो गए थे इसलिए हम अंदर गए नहीं है, क्योंकि पहले गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, फिर टिकट लेना पड़ता, फिर अंदर जाना पड़ता, तो हमने सोचा आपको ऊपर से इसका व्यू दिखा देते हैं। और इस पार्क की कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है, शाम को 6 बजे बंद होना है, 5 बजे बंद होना, तो ये नाइट में भी लोग यहाँ पर आते हैं, लोग मतलब फैमिली के साथ आते रहते हैं।
फैमिली के साथ भी आते हैं, बट यहाँ पर कपल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कपल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है। लखनऊ में हर जगह कपल्स की ही जगह है, कपल्स के वाह वाह हैं, मज़े हैं। आप हमारे साथ में देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक कपल्स है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है। और आप हमको ज़्यादातर मेरे को ही फोकस कर रहे हो सुबह से। हम दोबारा आ गए हैं अमीनाबाद की गलियों में, रात के 12 बज रहे हैं और देख कितनी पहल पहल है। आप देख सकते हैं लोग, सब लोग यहाँ खाने पीने आते हैं। खाने पीने के काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, टुंडे कबाबे भी यहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं छोटा इमामबाड़ा और रात काफ़ी हो चुकी है, तो इसलिए ये बंद हो गया है। आपको अंदर से हम दिखा नहीं सकते, आपको बाहर से इसका व्यू दिखा देते हैं। ये जस्ट बड़े इमामबाड़े से थोड़ा सा ही आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम खाना खाने के बाद टहलने निकले थे, तो हम घूमते घूमते छोटा इमामबाड़ा पहुँच गए, सोचा आपको ये भी दिखा दें। एक चीज़ और है यहाँ पे ना, रूमी दरवाज़ा से आप अंदर जैसे ही क्रॉस करेंगे, उसके बाद 2-3 गेट आते हैं सेम ऐसे। ये देखिए, आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा रूमी दरवाज़ा, बट ये रूमी दरवाज़ा है नहीं। रूमी दरवाज़ा इसको क्रॉस करने के बाद आएगा। एक दरवाज़ा ये दिख रहा है आपको, और ऐसे ही आप, मैं इधर घूम जाऊँगा तो आपको वो देखिए, एक वो मेरे पीछे एक और दिख रहा होगा। तो रात के टाइम पे ना इसका जो व्यू है ना इस रोड का, बहुत अच्छा आ रहा है। रूमी दरवाज़े से थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो आपको राइट साइड में क्लॉक टावर दिखेगा। रात के टाइम इसका व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। तो गाइस, हम पहले बता देते हैं आपको, रात के 1 बज रहे हैं और हम इस टाइम पे घंटाघर के पास बैठे हुए हैं थक हार के, और डिनर करके अभी आए हैं बस। कहाँ से डिनर किया है हमने? अमीनाबाद में वाहिद बिरयानी। और सनी भाई भी हमारे साथ देख सकते हैं आप, इतना थक चुके हैं। मतलब बहुत मेहनत है भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत है कि मैंने आज देख लिया पहली बार कि यूट्यूब में वीडियो बनाना कोई आसान नहीं है। इन लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करेंगे हमको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। और बहुत मेहनत करते हैं, बताते भी हैं और सब कुछ। अमन समझ लीजिए, अब एक बज रहा होगा, लगभग 1 बजने वाला है, और इन्होंने बहुत मेहनत करी है। मतलब आपको क्या बताया जाए, पैर के तो एकदम बैंड बजा हुआ है, अब थक गए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, इसलिए यहाँ बैठ गए थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्यार मोहब्बत शरबत पिया था, तो मज़ा लिया हमने, काफ़ी अच्छा लगा हमारे को। खाने पीने के मामले में तो समझ लीजिए, आप जानते होंगे लखनऊ इज़ द बेस्ट खाने के मामले में। बिरयानी से याद आया, बिरयानी का एक और हमारे अभी ट्रेजेडी हो गई है। हम लोग इदरीस बिरयानी खाने गए थे और हम पहुँचे वहाँ 10:30, तो वहाँ जो ओनर थे वो साहब मिल गए मेरे को, मैं उनसे टाइम पूछ कर आया था, उन्होंने बताया अगर आप खाना चाहते हैं तो दिन में 12-3 और शाम को 6-9, इसके बाद अगर आप जाते हैं तो। अगर 9 से आप 9:15 भी जाएंगे ना तो भी आपको बिरयानी नहीं मिलने वाली है। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ भी नहीं मिलना है। अब हम इदरीस की जो बिरयानी खाएंगे वो कल जाकर खाएंगे दिन में, तो इस वजह से हमारा ये सब थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया बिरयानी का। लेकिन हाँ, इदरीस की बिरयानी हमने बहुत नाम सुना है, हम ज़रूर खाएंगे और आपको उसका फीडबैक भी ज़रूर देंगे। देखो, आप इस व्लॉग में सोचेंगे कि हमने इस व्लॉग में कुछ वेजिटेरियन तो दिखाया नहीं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वसीम भाई और मैं, हमें तो पसंद ही नॉन वेज, ठीक है ना। बट ये है कि हमारी मजबूरी होती है, हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नॉन वेज मिलता ही नहीं है, या मिलता भी है तो बहुत अजीब तरीके का मिलता है, तो इसलिए हम वहाँ पर वेज, पेट तो भरना ही है ना, इसलिए हम वहाँ पर वेज ले लेते हैं। बट अब लखनऊ में आए और लखनऊ में आके नॉन वेज ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? वो भी फेमस तो लखनऊ, और वो भी लखनऊ का मतलब फेमस, वो इसीलिए नॉन वेज के लिए स्पेशली फेमस है। और नवाब जानते हैं आप लोग, नवाब करीब वेज तो खाते नहीं, कभी खाते नहीं, तो खाते हुए तो सिर्फ सलाद खाते होंगे और कुछ नहीं खाते, और खाना हमको चाहिए फिर नॉन वेज, तो वही नॉन वेज के लिए हम आए थे।